अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, 19 जुलाई को रेंजर्स के खसूसी इख्तियारात के मियाद ख़त्म होने जा रही है, लेकिन सिंध हुकूमत ने इनमें अभी तक तौसी नहीं की, क्योंकि कायम अली शाह के इंतजामिया को एतराज़ है कि रेंजर्स अब कराची से निकल कर अंदरून सिंध भी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों कर रही है। रेंजर्स हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि दहशतगर्द और दूसरे मुजरमान कराची से निकल कर सिंध के दूसरे इलाकों में पना लेते हैं, जिसके खिलाफ वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। याद रहे कि लाड़काना में असद खरल के वाक़े के बाद रेंजर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान तलखी बढ़ती जा रही है। रेंजर्स हुकाम वज़ीर दाखला सुहेल अनवर सयाल के भाई के मुबैना फ्रंट मैन असद खरल की गिरफ्तारी चाहते हैं, जिसको तारिक सयाल ने मकामी पुलिस की मदद से रेंजर्स हुकाम की कैद से छुड़वा कर फरार करवा दिया था, लेकिन सिंध के सूबाई वज़ीर दाखला उल्टा असद खरल को गिरफ्तार करने वाले रेंजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिशों में है। यह सूरत हाल यकीनन गैर इत्मीनान बख्श है, और अगर मुजरिमों को यूं सियासी और सरकारी सरपरस्ती मिलेगी तो फिर आखिर जराइम का खात्मा कैसे होगा। पहले ही अवैध शाह के बाजियाब ना होने पर सुप्रीम कोर्ट, वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर बरहम नजर आती हैं। नैब अदालत आलिया में अपनी रिपोर्ट में निशानदही कर चुकी कि कराची पुलिस के आला अफसरान पर 120 करोड़ की करप्शन के सबूत भी मौजूद हैं, तो फिर शहर कायद के मामलात क्या दोबारा रोशनियों से अंधेरों की जानब बढ़ रहे हैं, इस पर आज बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदे नाजिन प्रोग्राम में मेरे साथ कराची स्टूडियो से जफर हिलाली साहब हैं, इस्लामाबाद से शहजाद चौधरी साहब हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें मौला बख्श चांडियो साहब ज्वाइन करेंगे। शहजाद चौधरी साहब, रेंजर इख्तियारात में तौसीक का जो मामला है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, पूरे मीडिया जानता है कि आखिरी दिन तक ये मामला लटकाया जाता है, फिर ये कश्मकश के रेंजर्स इख्तियारात में तौसीक होगी नहीं होगी, इससे मुख्तलिफ कयास आराइयाँ जन्म लेती हैं। क्या ये मामला आप समझते हैं सिंध हुकूमत बारगेनिंग करने के लिए इस मामले को लटकाया जाता है? डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी का मामला है, लाड़काना में जो कार्रवाई हुई वो मामला है, बारगेनिंग के लिए इस मामले को लटकाया जाता है? देखिए, बारगेनिंग का इसमें क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि बारगेनिंग किस चीज़ की है। अगर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, मुजरमों के पीछे जाना है, कराची और सिंध का अमन बेहतर करना है, तो उसके लिए जिस किस्म का भी जुर्म होगा उसकी फिर तहकीक भी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद तफ्तीश के बाद उनको फिर कटहरे में लाना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेसेस उस चीज़ का हिस्सा हैं। जब आप रेंजर्स को लेके आए तो ये खुदा न खासा कोई फौज की एक्सटेंशन वर्सेस पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, जिस तरीके के हम यहाँ पे हर चीज़ को एक सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो एक पैरामिलिट्री फोर्स को आपने फेडरेशन से रिक्वेस्ट करके अपने पास ले आए और वहाँ पे जाके आपने कहा कि वो काम जो पुलिस कर रही है अब आप भी कीजिए। उसके अंदर अगर आप अपने लेकर आते हैं शहजाद चौधरी साहब, फिर तनकीद कैसी? अगर सिंध हुकूमत अपनी मर्जी से बड़े शौक से लेकर आए, कराची के अमन अमान की सूरत हाल को बहाल करने के लिए लेके आए, फिर रेंजर्स के कामों में तनकीद कैसी? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब या तो आपने आपने सफाई करनी है, आपने मुजरमों को पकड़ना है, आपने जुर्म का सद्देबाप करना है, और अगर नहीं करना जुर्म का सद्देबाप और रेंजर्स नहीं चाहिए और आप नहीं चाहते कि रेंजर्स ये काम करें, तो फिर उसका बड़ा आसान इलाज है कि उनको वापस भेज दें, बोलें कि हमें इख्तियारात हम आपको नहीं देंगे, आप ये काम करना बंद कर दें, ताकि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की आवाम के सामने खुल के सामने आ जाएं। देखिए, अभी 1.5 साल रहता है इलेक्शंस के अंदर, मुझे नहीं पता 2018 में होते हैं, उससे ज़रा पहले हो जाते हैं या कब होते हैं, 2018 में भी हों तो कम अज़ कम पाकिस्तान के आवाम को ये समझ आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध की जो हुकूमत है वो जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पे सिंध के अंदर, तो उसका वो नहीं चाहते कि जुर्म का सद्देबाप किया जाए। अगर ये उसका उनका उसका मंशा है, ये मकसद है, तो फिर तो बड़ा साफ बाजे हो के सामने साफ हो के सामने आए और पता लग जाए और दुनिया को भी पता लग जाए, जब वोट डालने आए तो पता लग जाए। तो ये है, कराची को सेव करना है, सिंध को ठीक करना है, नहीं करना। और अगर हमने वहाँ पे सारा कुछ करना है लेकिन चाहते हैं कि सिर्फ एक दायरे में रहे, एक पार्टी के खिलाफ रहे, किसी और को कोई हाथ ना लगाए, तो फिर इस तरीके से तो काम नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ये खाम खामे एक सिविल मिलिट्री
कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है ताकि उसके अंदर पीछे छुप के उसके जो अपने अपने जितने भी जरायम हैं या लोगों के जरायम हैं या अपने जो उनके साथी सपोर्टर हैं उनके जरायम हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है जफर इलाली साहब, रेंजर्स का वापस जाना कराची के हालात के लिए अफोर्डेबल है? मेरा ख्याल है ये सवाल पूछना ही मुनासिब नहीं है, ये सवाल पूछना ऐसा अजीब है। माने अभी एक चीफ जस्टिस का बेटा किडनैप हुआ है, एक आदमी एक फनकार मारे गया है और आप कह रहे हैं कि रेंजर्स को निकाल दें। देखिए आप मुझे एक चीज़ बताएं, किधर हो सकता है सिंध के अलावा कौन सा मुल्क है हो जिधर एक होम मिनिस्टर का भाई प्रोविंशियल पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करके अपना एक गुंडा दोस्त जो पकड़े जा रहा था नैब और रेंजर्स के ऑफिशियल से उसको छुड़ाए। अच्छा, और छुड़ाने बाद भाग के अपने भाई के घर में घुस जाए और वो दूसरा जो था वो निकल जाए, पता नहीं किधर है वो। लोग कहते हैं वो मुल्क से, वो असद खान मुल्क से भी निकल गया है। तो और फिर रेंजर्स जाके वो चीफ होम मिनिस्टर द फाउंट ऑफ ऑल अथॉरिटी द चीफ ऑफ पुलिस के घर को सराउंड कर लें। माने कि ये तो एक ईमान से हंसी आ रही है। और जब मैंने ये पढ़ा अखबार में, एक अखबार में तो कम से कम लिखा था कि जब बिलाल अकबर साहब जो जनरल हैं वो रेंजर्स के, उन्होंने जाके गवर्नर को कहा कि देखिए गवर्नर साहब, ये चीफ मिनिस्टर को जाके उन्होंने एक मीटिंग पे कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ये कैसे, हम कैसे चलेंगे, एक इदारा दूसरे इदारे के साथ कोऑपरेट किया, एक एक के साथ ये लड़ाई हो रहा है। तो जब मेरे साथ एक बंदा था, जब वो ये सुना तो हंसने लगा, कहने लगा यार इसको अभी पता चला है कि यू कैन नॉट, सिंध इज बिकमिंग अनगवर्नेबल, या पहले 2-3 साल से हम नहीं कह रहे हैं कि इट्स अनगवर्नेबल। और सॉरी शाजिया, ये एक जोक बन गया है अभी। लेकिन जफर इलाली साहब, वफाकी हुकूमत को इस तनाजे को, इशिदा चौधरी साहब, वफाकी हुकूमत को इस तनाजे को हल करना चाहिए। रेंजर्स कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत वो सिक्योरिटी इदारे कहीं भी जाकर कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि सिंध हुकूमत ये मौकिफ अपना रही है कि कराची की हदूद से बाहर जाना वो अपने इख्तियार से तजावज कर रहे हैं। इस तनाजा जब तक हल नहीं होगा, रेंजर्स पर सिंध हुकूमत की जानिब से ऐसे ही तनकीद होती रहेगी। हिलाली साहब देखिए मेरी बात कैसे हो सकता है ऐसा तनकीद, बात कर लो उसकी। एक मुल्क के हम दोनों नहीं है बाशिंदे, एक मुल्क में हम नहीं रह रहे हैं, हम चोरों को और टेररिस्ट को नहीं पकड़ना चाहते हैं। हाँ। तो ये कैसा, ये हाउ कैन यू इवन पोज दिस क्वेश्चन किसी को भी, अगर हमारा मतलब और काम ये है कि सब लोगों को ये इस प्रोविंस को पीस लाए, इस प्रोविंस को। ये जो शहजाद चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, शहजाद साहब देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुमकिन है। ये जो हिलाली साहब ने जो बात कही या जो मैं कह रहा था, सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें इस किस्म के काम हो सकते हैं कि हुकूमत वक्त, देखिए हमारे लिए 5 हुकूमतें हैं या 7 हुकूमतें हैं अगर आप गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी मिला लें, तो ये जो 5 हुकूमतें हैं ये सब हुकूमतें हैं। अच्छा, ये जो हुकूमतें और पावरफुल हुकूमतें हैं, ये पावरफुल एक हुकूमत कह रही है कि मैं यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको काम नहीं करने दूँ। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि आप ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। भाई मुझे ये बताइए कि जहाँ पर आप कराची के अंदर जुर्म करते हैं, चीफ जस्टिस का बेटा अगवा हो जाता है और उसके बाद उसको कोई लेके सिंध के किसी इंटीरियर में चला जाता है, तो ये चीफ जस्टिस का जो बेटा है क्या ये अब मुबर्रा हो गया है किसी कैद से, किसी जुर्म के पादाश में पकड़े जाने से? क्या उसको अब सेव किया जाएगा? और कौन सेव करने वाला है, सेव करने वाले कौन है? बदकिस्मती से मैं तो ये सुन रहा था कि ये जो इनके भाई हैं, जो हमारे सिंध के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके भाई का जो असद खरल साहब हैं, उनके नीचे, असद खरल के नीचे 8-10 लोग ऐसे हैं कि जिनमें से किसी ने चीफ जस्टिस के बेटे को अगवा किया। अच्छा, अब अगर ये और सबके सामने ये हो रहा है, तो मुझे, मैं हिलाली साहब और आप और बाकी हम जैसे जो बाकी पाकिस्तानी हैं, मेरे ख्याल में सोचने का मौका ये है कि यार इनको किस तरीके से, इन सियासतदानों को या इन हुकूमतों को क्या किया जाए इनका? इनको कोई ट्राई करने वाला भी नहीं है, इनको पूछने वाला भी नहीं है। दूसरा आपका सवाल था कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं इन्वॉल्व करती, फेडरल गवर्नमेंट साहब, आपको ये मैं कहना चाहता हूँ कि गुलाम सरवर सियाल साहब एक और पीएमएल के लीडर हैं, उन्होंने तो प्रेस में जाके कहा है, ही हैज डायरेक्टली अक्यूज्ड
ये जो सियाल ब्रदर्स हैं इनको के इन्होंने हाथ इनका है जस्टिस के बच्चे के किडनैपिंग पे, आई मीन ये डायरेक्ट एक्यूजेशन पब्लिक एक्यूजेशन। दूसरी बात करूं जी शहजाद, आई एग्री विद यू बिल्कुल एब्सोल्युटली। और दूसरा आप कहते हैं ना कि फेडरेशन जाके उनसे मामला करे, असल में जब फेडरेशन जाके मामला करेगी तो वहां पर मुकमुका हो जाएगा, क्योंकि ये सियासतदान आपस में बैठ के सियासत किसको कहते हैं, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन को नहीं कहते, ये गरीब को फायदा पहुंचाने को सियासत नहीं कहते, ये कहते हैं कि मुकमुका रिकंसिलिएशन, किस तरीके से रिकंसिलिएट किया जाए कि तुम्हारा भी काम हो जाए और मेरा भी काम रुक जाए। अब यहाँ पे पनामा पेपर विजावी चीफ जस्टिस का बेटा सिंध का जो है, या असद खरल या फलाना फलाना ढिमकाना, इनका आपस में अब मामला तय करवाने जा रहे हैं ये लोग आपस में। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फेडरेशन बाहर रहे इससे, लेट दी गवर्नमेंट। आप समझते हैं अगर मुकमुका होगा तो कराची के हालात में जो बेहतरी हो रही है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस मुकमुका की वजह से। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस वक्त के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमद जफर हिलाली साहब, आपको लगता है कि सिंध हुकूमत नाराज है ही सिर्फ असद खरल के मामले पर रेंजर से? बिल्कुल नाराज हैं, इसलिए कि सिंध हुकूमत एक कोटरी है, क्रिमिनल एंटरप्राइज है। इन लोगों के हम रिकॉर्ड्स जानते हैं, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि रेंजर्स के पास सब सबूत और एविडेंस है। ये उजैर बलोच का कल मैं कह रहा था उसका सबूत निकालें, खुदा के लिए उसने क्या कन्फेशंस किया है, किस लोग कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। अब आप पूछ रही हैं कि कराची की हालत, देखिए कराची की हालत फिर ख़राब होते जा रही है। मैं आपको बता सकता हूं, कल मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त कयाबान मुहाफिज में छह लोग, जैसे वो गाड़ी अंदर ले गया छह लोग उसके साथ अंदर घुसे, पूरा घर उन्होंने लूट लिया। जब उन्होंने उसने जाके पुलिस को कंप्लेन किया तो पुलिस का सजेशन ये था कि आप सीसीटीवी लगा दें। वो कहता है यार मैंने ब्रिंक्स लगाया हुआ है, मैंने एक किस्म का चौकीदार रखा हुआ है, अब मुझे कहा जाता है सीसीटीवी लगा दें तो अब बस इलेक्ट्रॉनिक फेंस और दरवाजा तो बाकी है। और तो मैं पुलिस का इदारा ही खत्म कर देते हैं, हर घर में सीसीटीवी कैमरे लग जाएं, दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लग जाएं, तो पुलिस का इदारा भी खत्म कर दिया जाए। यस व्हाई नॉट, और मैं कहता हूं आपको मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है कि पुलिस वाले आते हैं, रोकते हैं, अक्यूज करते हैं आपको कि कोई आपने सिग्नल वायलेट किया और पैसे लेते हैं। भाई 80% ऑफ द क्राइम्स मेरे ख्याल इधर तो पुलिस वाले कमिट करते हैं, इसलिए उनका रिक्रूटमेंट देखिए, उनका प्रमोशन देखिए, पोस्टिंग देखिए। एक मैं तो हैरान हो गया, ये पुलिस वाले खुद बताते हैं, एक डीआईजी पुलिस या आईजी ट्रैफिक, सॉरी डीआईजी ट्रैफिक किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी का सन इन लॉ है, 50 करोड़ उसका तो मंथली उसको मिलता है बांटने के लिए। भाई दिस हैज बिकम अ क्रिमिनल एंटरप्राइज, मैं आपको बता रहा हूँ ये रेंजर्स बेचारे क्या क्या करें। यही बात मैं करने जा रही हूँ शहजाद चौधरी साहब, जब पुलिस के ये हालात होंगे, साबिक आईजी गुलाम हैदर जमाली की गिरफ्तारी की सिफारिश करेंगे, तो रेंजर्स को पुलिस की कॉपरेशन के, जब कॉपरेशन नहीं मिलेगी तो कराची के हालात में बेहतरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? देखिए एक कोई तकरीब थी जिसमें किसी एक जूनियर अफसर को ये जो अकाउंटेबिलिटी और इसके सिलसिले में कोई इनाम दिया जाना था, तो वो चीफ सेक्रेटरी जो था जो मौजूद था वहाँ पे वो नहीं इनाम के काबिल है, या उसको नहीं उसकी जगह भेजा गया कि जाइए उसके लिए इनाम लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो खुद टेंटेड है और उसके ऊपर मुकदमा है करप्शन का। तो हम अकाउंटेबिलिटी के लिए किसी एक जूनियर अफसर को जब देना चाहते हैं ना, तो हमारा जो चीफ सेक्रेटरी है वो खुद उसके मुकदमे में मुलव्वस होता है। अच्छा अब देखिए बलोचिस्तान से लोग पकड़े गए जो कि कराची में बैठे हैं इस वक्त जाके, दो सेक्रेटरी या कोई चीफ सेक्रेटरी था या सेक्रेटरी था या किसी चीज़ का एक, कोई खुदा की कसम कोई उसको पूछने वाला ही नहीं है। यानी आपके सामने जुर्म है, आपके सामने जुर्म है ना, कोई प्रोसिक्यूट करता है। रेंजर्स ने जाके वहाँ पर मुकदमा सारा, सारी जीआईटी वीआईटी बन गई, डॉक्टर आसिम के सिलसिले में हर चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। जब वो गए मुकदमे के लड़ने के लिए, चीफ प्रोसिक्यूटर सिंध गवर्नमेंट का आ गया कि नहीं हम तो ये मानते ही नहीं है, ये तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गलत है और ये जो जीआईटी हुई है गलत है वगैरह वगैरह, उसने निगेट कर दिया अपने ही लोगों को।
अपने ही प्रोसेस को, अपने ही उस पर जे आई टी जो बनाई हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर के नीचे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर आप इस किस्म का एक भयानक और हौलनाक खेल खेल रहे हैं लोगों के साथ, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, आज सवाल सिंध गवर्नमेंट को, पुलिस को छोड़ देते हैं, पाकिस्तानियों से सवाल कीजिए, सिंध के लोगों से सवाल कीजिए, यार आप इस तरीके से जीना चाहते हो? ये है आपकी चॉइस जिंदा रहने की? खड़े होकर खुदा का वास्ता है, अगर अपनी किस्मत को बदलना है, अपने मुकद्दर को बदलना है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। शहजाद चौधरी साहब, लोगों के पास सिंध में क्या ऑप्शन है? ऐसे लोगों को चुनो, किसी को मत चुने, किसी को मत चुने, हैं हो जाएंगी कोई ना कोई ऑप्शन, निकल आएंगी ऑप्शन वहां पे, कोई ऐसा भी गदर नहीं। ये लोग असल में अपने साए के नीचे से किसी को उगने नहीं देते, आने नहीं देते सामने। मेरा ख्याल है कि लोगों से सवाल, ये फेलियर लोगों का है कि ये बारहा पिछले 30-30, 35-35, 40-40 साल से हमारी किस्मत में ये लोग लिखे हुए हैं, इसी वजह से मुल्क का ये हाल हुआ है, और हमारे मुआशरे का, और हमारी मईशत का, और हमारी सियासत का, और हमारी रियासत का, सबका ये हाल हुआ है। ये है मसला जिसके लिए मेरा ख्याल है अब हमें आपको मिलकर एड्रेस करना है इन लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को। ना यहाँ पे इनको कोई सजा देने वाला है, ना इनको कोई पकड़ने वाला है। ये बिल्कुल ही जुर्म करके खड़े होकर कहते हैं कि ठीक है हम नहीं पकड़ने देंगे। दूसरी ऑप्शन की बात करें, क्या सिंध के लोगों के पास कोई दूसरी ऑप्शन है जो एक 30-40 साल के अरसे से एक ही पार्टी वहां पर हुकूमत करते आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पार्टी जिस तरीके से इलेक्शंस जीतती है, हम सबको पता है कि पैसे कैसे होते हैं, एथनिक वोट होता है, पैसों का वोट होता है, ये वडेरों का वोट होता है। मैं कह रहा हूँ, एज लॉन्ग एज दिस सिस्टम कंटिन्यूज, आप इनमें से इनको कभी नहीं हरा सकते हैं। पीपीपी को आप सिंध में कभी नहीं हरा सकते हैं, और जब आप हराएंगे तो उनका जो चार्ज होगा आपके खिलाफ, जैसे पंजाब में नून लीग को नहीं हराया जा सकता, जैसा ऐसा नून लीग को। देखिए, फर्क ये है, माफ करिए, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी अदर रूल बट डेमोक्रेसी, मगर अब तो डेमोक्रेसी तो हमें खत्म कर दिया है, शेमोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी रह गया है, अफसोस से कहना पड़ता है। देखिए, मुझे एक चीज मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि एक प्रोविंस जब क्रिमिनल्स के हाथ में आ जाए या एक प्रोविंस अनगवर्नेबल हो जाए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि आप एक मुल्क हैं, मगर आपका एक हिस्सा को ठीक नहीं कर सकते। मैं कोई खास लॉयर नहीं हूं, मगर इमरजेंसी एक चीज होती है, गवर्नर्स रूल एक चीज होती है, फेडरल कुछ सब्जेक्ट्स अभी तक तो हैं, क्यों भाई, किस लिए? ये वैसे ही 2018 अमेंडमेंट के बाद ये फेडरेशन नहीं हुआ, ये कॉन्फेडरेशन बन गया है। पुलिस, एजुकेशन, किसी मुल्क में एजुकेशन सेंटर के पास से निकाल के प्रोविंस किया गया है, जैसे मैंने कहा है, एक दिन वो आ रहा है, पिशावर यूनिवर्सिटी की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी में रिकग्नाइज नहीं होगी। खुदा के लिए, गेट अ ग्रिप ऑन योरसेल्फ। मैं नहीं समझता हूँ ये लोग टॉलरेंट है, मैं समझता हूँ ये इनके दिमाग में कुछ नहीं है, ये भूसा है। अयाज लतीफ साहब, ऑपरेशन कराची में हो रहा है, रेंजर्स कहते हैं कि जो जराइम पेशा अफराद हैं वो कराची से निकलकर अंदरून सिंध में जाकर पनाह ले रहे हैं। आपको पता है कि लाड़काना में जो कार्रवाई हुई रेंजर्स की, तौसीक का मामला है, रेंजर्स और सिंध हुकूमत आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। आपको क्या, अगर अंदरून सिंध में प्रॉपर एक ऑपरेशन कराची तर्ज का शुरू होता है, आपकी पार्टी का इस पर क्या रद्द अमल होगा? मैं जी वेलकम करूंगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो, हमारी पार्टी उन लोगों में से नहीं है जो कहे कि गटर अगर खराब है तो दूसरे के मोहल्ले का गटर साफ करें, मेरे मोहल्ले के खराब गटर को साफ न करें, मेरे मोहल्ले के चोर को न पकड़ें, दूसरे मोहल्ले के, हम तो समझते हैं कि वेलकम करेंगे। और बिल्कुल सही है कि अगर कराची से दहशतगर्द भाग के लाड़काना या वारा या कंदकोट या शिकारपुर या थर में छुपते हैं, और वो छुपते हैं, ये फैक्ट है कि पिंडी या लाहौर में कार्रवाई करके अगर वजीरिस्तान भागा जा सकता है या सवात भागा जा सकता है, तो कराची में कार्रवाई करके या अरबों रुपए की, सिर्फ टेरर करने की बात नहीं है, सिर्फ क्राइम करने की बात नहीं है, अगर उवेस शाह या अमजद साबरी के क्राइम को फाइनेंस करने वाले लोग लाड़काना, कंदकोट या सक्कर या शिकारपुर में जाके छुपते हैं तो उनको पकड़ना चाहिए। और दूसरी बात कि सिर्फ वो नहीं कि जो टेरर फाइनेंस करते हैं, जो फ्रंट में हुक्मरानों के अरबों रुपए खाने में
वो अगर करप्शन करके जाके लाड़काने छुप जाए तो रेंजर्स को क्यों और नैब को क्यों नहीं और एफआईए को क्यों नहीं और रेंजर्स को क्यों नहीं अख्तियार होना चाहिए कि उनको गिरफ्तार करके उनको अदालतों के सामने। तो आप समझते हैं रेंजर्स के अख्तियार में तौसी का मामला इसीलिए लटकाया जा रहा है, रेंजर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब भी रेंजर्स किसी हाई प्रोफाइल शख्स को करप्शन के केस में टेरर फाइनेंसिंग में पकड़ती है तो उसकी रेंजर्स के इख्तियारात को तोसी देने में रुकावट डाली जाती है ताकि उनको ब्लैकमेल की करके कहा जाए कि तुम अपने इन हुदूद से बाहर मत निकलो, हमारे लोगों को मत पकड़ो, निसार मोराई को, अनवर मजीद को, इस किस्म के लोगों को, सुहेल अनवर सियाल के लोगों को, इनको मत पकड़ो, अगर पकड़ोगे तो हम क्राइम करने के हवाले से उन लोगों को रिलैक्स करेंगे, आपके हुदूद को रोकने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि रेंजर्स के बगैर कराची के अमनो अमान में जो बेहतरी है वो कायम रह सकती है, क्या सिंध पुलिस इस काबिल है? देखिए मेरी एक है ग्राउंड रियलिटी एक है ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए कि पुलिस सही परफॉर्म करे और हमारी पुलिसिंग ऐसी हो कि वो जब जिस तरह इस्तांबुल में देखा पुलिस ने रेजिस्ट किया लॉलेसनेस को, हमारी ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए कि कोई वैंकूवर वाली, शिकागो वाली और सिडनी वाली पुलिस होनी चाहिए, वो है नहीं। तो अगर उस पुलिस की गैर मौजूदगी में रेंजर्स सही कानून नाफिज कर रही है, टारगेट किलर्स को, टेररिस्ट को, करप्ट लोगों को पकड़ रही है तो हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए होल हार्टेडली और उनकी हिमायत करनी चाहिए बजाय उसके कि उनकी राह में रुकावट डालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयाज लतीफ पलेजो। जब शहजाद चौधरी साहब, आजाद कश्मीर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक तरफ कराची के हालात हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम करप्शन में उन पर इल्ज़ाम लगता है, उनकी गिरफ्तारी अमल में आ रही हैं, क्राइम को सरपरस्ती करने के मामलात सामने आते हैं, क्या ये सारे मामलात आजाद कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर असरअंदाज हो सकते हैं? होना चाहिए, होंगे नहीं। अच्छा, वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम को जो खाना दिया जाता है बदकिस्मती से वो उसी खाने को हिल गए हुए हैं। यानी आपकी जो सेंसेस हैं पाकिस्तानी अवाम की, जो कि ये बताती हैं कि देखिए दुनिया इस कुएं से बाहर भी है, जो कोई पीपल्स पार्टी का कुआं है या पीएमएलएन का कुआं है, इससे बाहर भी दुनिया बसती है, तो हमारे लोगों को मौका ही नहीं दिया गया कि उसे निकल के बाहर देख सकें। दूसरा, पेट्रनेज का जो एलिमेंट है हमारी सियासत के अंदर वो इतना स्ट्रांग है और हमारी जो मजबूरियां हैं आम आदमी की वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो उस पेट्रनेज के कॉन्टेक्स में ही उससे बंधा रहता है। दो वक्त की रोटी के लिए, दो नौकरियों के लिए, पांच नौकरियों के लिए, ये है कीमत हमारे आम आदमी की। तो जिस तरह कीमत इस तरीके से जब वो अदा कर दी जाती है तो इस वजह से आप रियासत की रिजर्वॉयर में से तो वो कीमत अदा करते हैं लेकिन आप हमेशा के लिए उस मुल्क को, उस हिस्से को, उन लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये नफसा नफसी का जो आलम हमारे गरीब आवाम के अंदर आया हुआ है बदकिस्मती से, इसको ये रियासत और सियासत ठीक नहीं कर पाई बल्कि पनप रही है, उसको पनपने देती है ताकि उनकी डिपेंडेंस उतनी ज़्यादा रहे। एक छोटा सा नुकता मैं कहना चाहता हूँ, जो हिलाली साहब ने बात की, मेरे ख्याल में उसकी क्रक्स है, अगर आप इस मुल्क के खैर खा हैं और जो आपने 18वीं तरमीम के बाद सूबों के जो मामलात हैं उनको देख लिया, तो फिर मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में तकरीरें करने के बजाय आज इस सवाल का जवाब दे रहे हों या अपने लोगों को लेके बैठे हों। ठीक है, ठीक है, मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम में, मज़ीद बात करेंगे। कंदील बलोच का कत्ल हुआ गैरत के नाम पर, एक और कत्ल एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाजरीन, सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच के गैरत के नाम पर अपने भाई के हाथों कत्ल की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कोई भी कानून, कोई इखलाकी जवाब किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि वो किसी इंसान की जान ले ले। गुज़श्ता कुछ अरसे से गैरत के नाम पर कत्ल के जराए में तेज़ी से इजाफा देखने में आया है। हाल ही में हमने देखा एबटाबाद, मरी, कराची, लाहौर और गुजरांवाला में गैरत के नाम पर मुतादिल लड़कियाँ अपने घर वालों के हाथों कत्ल कर दी गईं। गैरत के नाम पर बढ़ते कत्ल की एक वजह यह भी है कि उमूमन कातिल जो मकतूल का भाई होता है, बाप होता है, उन्हें अपने घर वाले जब माफ़ कर देते हैं ऐसे मकतूल को इंसाफ नहीं मिलता और मुआशरे में
एक बुरी मिसाल फिर से कायम होना शुरू हो जाती है। गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से सैनेट में कानून भी पास हो चुका है, लेकिन अभी तक कौमी असम्बली ने इसे मंजूर नहीं किया। यूं इंसाफ के रास्ते में ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया के किरदार पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि शायद वहाँ पर भी कुछ कानून और ज़ाब्ते लागू करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया ने एक तरफ मतनाज़े वीडियो से कंदील बलोच को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। वो ना तो बड़ी स्टार थी, ना फिल्मों थी, ना टॉप मॉडल थी, ना ड्रामों में काम करती थी, लेकिन फिर सोशल मीडिया ही था जिसने कंदील बलोच को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया और फिर इसको कत्ल की धमकियां भी मिलने लगी। क्या सोशल मीडिया पर आज़ादी इतनी होनी चाहिए कि किसी की भी जान खतरे में पड़ जाए? इस पर आज हम बात करते हैं। ज़फ़र इलाली साहब, कुछ अरसे से हमने देखा कि गैरत के नाम पर कत्ल में बहुत से वाकयात हमारे सामने आए। क्या जो मैंने अपने इस इंट्रो में बात की कि इसकी वजह यही है, जो कातिल होता है वो भाई होता है, बाप होता है, कोई रिश्तेदार होता है, फिर घर वाले उसको माफ कर देते हैं, जिसकी वजह से तशद्दुद दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक, 100%। ये एक बहुत बड़ा वजह है कि ये लोग जाते हैं, कत्ल करते हैं और फिर छूट जाते हैं। दूसरी बात मैं समझता हूँ ये है कि आपने बड़ा सही कहा, ये एक्चुअली इसका कत्ल जो है इस लड़की का, इसने सोशल मीडिया इज़ मोर टू ब्लेम। मेरे ख्याल में उन्होंने और हम सब देखते रहे कि दो दिन तक इस औरत का एवरी चैनल, माने कि हर जगह वो इसका प्रोजेक्शन आ रहा था वो मुल्ला के साथ। और उसके बाद मैं तो हैरान उस वक्त हुआ कि एजुकेटेड एंकर्स ने रेटिंग्स के लिए, अपनी चैनल की शोहरत बढ़ाने के लिए इसको ला के दे रिडिक्यूल्ड हर एंड मेड अ फूल आउट ऑफ हर। वो मुल्ला तो था ही वैसे, मगर दे मेड अ फूल आउट ऑफ दिस पुअर वर्ल्ड। देखिए, उस किस्म का प्रोपेगेंडा अगर आप किसी के खिलाफ चैनल्स पे दिन रात दो दिन लगातार चलाएं तो उसके रिश्तेदार तो रिएक्ट करेंगे उसके, और खासतौर अनपढ़ अनएजुकेटेड लोग, कंसर्वेटिव फैमिली से, उनका तो शर्म बिकम्स अनबेरेबल। तो मेरा ख्याल में कि ये वाकई, ये जो लोग कहते हैं कि ये एक मीडिया ने इनको इसको कत्ल किया है, मैं समझता हूं बिल्कुल सही है, मीडिया ने किया है। और ना सिर्फ वो एंकर्स, मेरे ख्याल में हर वक्त तो मालिकों को पता नहीं चलता है कि एंकर्स का क्या सब्जेक्ट होगा, मगर अगर वो भी कंट्रोल रखे सब्जेक्ट्स पे तो इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम श्योर कि वो नहीं चाहते थे कि इस लड़की और मैनी सिंपल लड़की को इस किस्म का हरकत हो उसके साथ। तो मेरे ख्याल में लैक ऑफ कंट्रोल था ओनर से और एंकर से, और खास तौर वो लोग जो लाके इस लड़की को सोशल मीडिया पर ज्यादा हाइट मिली थी। सोशल मीडिया पर ज्यादा हाइट क्रिएट की गई थी, सोशल मीडिया पर कुछ ज़ाब्ते अख़लाक लागू होने चाहिए। मैंने तो टीवी पे देखा एक चैनल पे, उसको एक पढ़ा लिखा आदमी, कुछ इंटरव्यूज हुए, आई मीन व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू, क्या कर रहा था भाई? अपनी रेटिंग्स बढ़ाना है तो अपनी क्वालिटी पे बढ़ाएं, अपने कमेंट्स पे बताएं, अपने रिसर्च पे बढ़ाएं, आपके आर्ग्यूमेंट पे बढ़ाएं। ये क्या कि एक बेचारी औरत को ला के खड़ा कर दिया है एक मुल्ला के साथ और उसके साथ दिन रात उसके बताते रहे कि वो ऐसी बैठी है, ऐसी सेल्फी ले रही है। खुदा के लिए, आपको पता नहीं है ये कंजर्वेटिव सोसाइटी है? आपको पता नहीं है कि रिएक्शन होगा उसके फैमिली में, उसके घर में, उसके नेबरहुड में? और कितने पागल से लोग हैं हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो बैठे हुए हैं। शहजाद चौधरी साहब, शहजाद चौधरी साहब, वेरी सॉरी, वाकई मीडिया का कसूर है इसमें? देखिए, पहली बात तो यह कि जो ऑनर किलिंग का कोई यानी जवाज भी नहीं है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जवाज नहीं है, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में भी जवाज नहीं है। तो जब कत्ल होता है जो, तो जो रियासत है वो मुद्दई बन जाती है उस कातिल के खिलाफ। तो अब रियासत को मुद्दई बन के इसको परसू करना चाहिए कोर्ट्स के अंदर। ये इस कत्ल में और किसी और कत्ल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बड़े वाकयात हमारे ये आज तक नहीं हुआ, और इसको जितने भी लीगल लूप होल्स हैं 18वीं तरमीम के साथ साथ इस किस्म के मामलात के, देखिए एक सियासतदान का काम क्या है? एक मुआशरे की तश्कील, सियासतदान एक आपका लीडर है, उस लीडर ने क्या करना है? माशरे की तश्कील करनी है। इस माशरे में अगर इस किस्म के 17वीं और 18वीं सदी वाले वैल्यू सिस्टम के साथ आप चल रहे हैं तो भाई इस माशरे को भी ऊपर लेके आइए। उसके लिए एक तो ये कि इसके ऊपर फौरन उस किस्म का कत्ल का मुकदमा जो कि किसी और कत्ल का मुकदमा होता है वो दायर होना चाहिए, और रियासत को करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा देखिए,
सोशल मीडिया इस वक्त बिल्कुल है ही नहीं, उसमें देयर इज नो कंट्रोल ऑन द सोशल मीडिया, देयर कैन नॉट बी एनी कंट्रोल ऑन सोशल, देयर कैन नॉट बी एनी कंट्रोल। फेसबुक पे फिर थोड़ा बहुत किसी वक्त जाके वो कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, इसको हटा दिया जाए। ये जो व्हाट्सएप और फलाना ढमकाना, ये जो ट्विटर वगैरह है, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, किसी के कंट्रोल में काबू में नहीं है ये चीज़ें। अच्छा, अब अगर और हमें एज ए मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी सोशल मीडिया से हमें गाइडेंस या डायरेक्शन नहीं लेनी चाहिए। यू पीपल हैव टू बी अबव एवरी थिंग एल्स। वो जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं उसमें बहुत वजन है। मैंने खुद देखा है वो प्रोग्राम या उस किस्म के एक दो प्रोग्राम जहाँ पर के इस बच्ची को बुला के इस किस्म की गुफ्तगू बारहा बार बार रिपीट की जाती है विद विजुअल्स और विद फोटोग्राफ्स एट्सेट्रा, जो कि असल में सिर्फ और सिर्फ तमाशा एक दिखाना और तमाशा बनाना। अगर हमारी जर्नलिज्म गटर जर्नलिज्म बन चुकी है, जो कि मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर से उठती है, गटर जर्नलिज्म है, तो फिर हमें भी शर्म आनी चाहिए कि हम यहाँ पे इस जैसे मीडिया में क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। बदकिस्मती आपकी यह है कि आपका माशरे की तश्कील, क्योंकि सियासी लीडरशिप भी नहीं कर रही, मजहबी लीडर भी नहीं कर रहा, फिक्री लीडर भी नहीं कर रहा, इसलिए एक ऐसा मीडिया कर रहा है जो कि सोशल मीडिया ड्रिवन है। और बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली आई फुली एग्री विद यू। जफरी लाल साहब, इन मामलात को आप डिस्कस करते हैं, मीडिया में डिस्कस किया जाता है, कंडेम किया जाता है, पार्लियामेंट में ऐसे मामलात क्यों नहीं लेकर जाए जाते, पार्लियामेंट में ऐसे मामला डिस्कस क्यों नहीं किए जाते कि जो भी ऐसे वाकयात में मुलव्वस हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? इसलिए कि पार्लियामेंट पे जो लोग हैं वो उसी तरीके के लोग हैं जो इसको कत्ल किया होगा, वो उसके और इनके दिमाग मिलता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंसान आदमी जो होता है पाकिस्तान का, अगर इस आदमी पे उसी किस्म की जो ऑनर किलिंग्स पे अगर आदमियों पे करते तो आधा इधर का पॉपुलेशन खत्म हो जाता, आधे लोग हर कमरे में मारे जाते। ये सब इतने डिसऑनरेबल लोग हैं, आपने देखा है इनको, आपने हमारी पब्लिक को देखा है नेक्स्ट टू वुमेन जिस तरीके से वो उनको कमेंट करते हैं, ग्रोप करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, कौन उनको पकड़ता है, कौन उनको सबक देता है, कौन उनको बैठ के बेथ मारता है, कोई नहीं। जब तक आप ये सब चीज नहीं करेंगे, ये सीखेंगे नहीं, दे गेट अवे विद एवरीथिंग। ये तो आई एम सॉरी टू से, रेप भी दे सीम टू गेट अवे विद रेप। तो कहने की बात यह है कि एक सोसाइटी जो इतना एक्सप्लॉइट करता है औरत को, ना उसको वोकेशन वो कर सकती है अपना, उसको कहते नहीं तुम नर्स बनो या तुम डॉक्टर बनो। भाई मैं नर्स और डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मैं आर्टिस्ट बनना चाहती है, मिसाल के तौर पे वो करते हैं आप उसको, किसको शादी करो, नहीं इसको शादी करो, इसको नहीं करो, भाई इससे मिलता नहीं है, मेरी तबीयत नहीं मिलती है, नहीं करो, अभी करो या कत्ल हो। This is a mad society. ये जो लोग पार्लियामेंट पे बैठे हैं ये तो उसको डिफेंड कर रहे हैं। आपने खुद देखा है कि जिंदा लोगों को दफन कर रहे हैं और एक आदमी MNA है उधर का, वो उठ के कहता है ये हमारा रिवाज है। सही बात। तो आप तो इन लोगों को जब तक ठीक तरीके से एजुकेशन नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। शिजा चौधरी, नहीं, नहीं एजुकेशन आधे तो और जी शिजा साहब, हाँ मैं ही कह रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स, आई मीन ये ह्यूमन, तो ये ह्यूमन समझे इनको और उसके बाद उनकी राइट्स की बात करें। देखिए बात ये है, कुरान पाक के साथ शादी कर दी, उस बच्ची का हक ही छीन लिया उससे कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। कसूर के अंदर छोटे बच्चों के साथ रेप किया गया, सोडमी हुई, उसका मामला सारा सामने आ गया, पंजाब के अंदर आया, वो कहाँ गया मामला, हमने तो कभी सुना नहीं उसके बारे में क्या हुआ। तो क्या है ये मुआशरा, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास तोप है, जिसके पास बंदूक है वो उसका जोर ज़्यादा है, कोई अक्ल नहीं है, इसको आगे नहीं लेके जाना हमने, इन बाकी मर्दों के अलावा बाकी हर किस्म की जो यहाँ पे नस्ल है वो जानवरों वाली है, खुदा का वास्ता है, खुदा रहा, इसको प्लीज़ लोग जो सुन रहे हैं वही थोड़ा सा इस पर थोड़ा फिर सा ये मामला सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहने चाहिए। जी बस दूसरी बात, एक और बात करना चाह रहा हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि थोड़ा सा हमें जो हमारे लोग सोशल मीडिया पे या ये जिस किस्म की बच्चियाँ या बच्चे जो अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी कैपेबिलिटी, फॉर गॉड्स सेक रियलाइज़ कि किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं। इस एनवायरनमेंट में हमेशा एक अच्छे बैलेंस के साथ चला जाता है, यानी यू आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट जिसको ऐसा शायद बहुत डेकेड्स लगे बेहतर होने के अंदर। यू कैन नॉट बी 30 years अहेड ऑफ दिस मुआशरा, फॉर गॉड्स सेक अपने आप को उसके मुताबिक रखिए और उन लिमिट्स को पहचानिए
जो कि हमारे मुआशरे के लिमिट से बदकिस्मती से हैं, हम अभी तक उस तरीके से प्रोग्रेसिव नहीं हुए जिस तरीके से शायद बाकी दुनिया में। और मैं तो कहता हूं कि इस किस्म का प्रोग्रेसिवनेस तो शायद अमेरिका के भी कुछ कुछ इलाकों में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए कहना यह है कि थोड़ा सा आप प्रोग्रेसिव दिमाग से प्रोग्रेसिव होइए, आइडिया से प्रोग्रेसिव होइए, लेकिन खुदा रहा थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोजर देते हुए एनवायरमेंट को भी ख्याल रखें। बिल्कुल सही जफर लाली साहब, फिर ऐसे मामला को बहस तक महदूद नहीं रहना चाहिए, सिर्फ मीडिया पर आकर डिबेट हो रही मामला खत्म हो गया, ये इसका हल नहीं है। इसको हल कैसे करना है ऐसे वाकयात को रोकने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरे ख्याल में अब खुदा के लिए हमारे औरतों को निकलना चाहिए। देखिए हम एक 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 वुमन प्राइम मिनिस्टर तो रहा है, औरतें इधर पार्लियामेंट में, औरतें मैंने देखा है जिधर भी वो औरतें होते हैं ज़्यादा बेहतर काम करते हैं आदमियों से। तो अब आप लोगों के पास भी कुछ होना चाहिए कि भाई इट इज़ योर राइट्स that are being snatched from you. Human rights के अलावा मेरे ख्याल में हमारे religion में भी औरत को बड़ा elevate किया है उसका status. तो ये जब सब चीज हुए हैं, यही बात हमारा मुआशरा accept करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे नहीं करेगा एक्सेप्ट? बिल्कुल करेगा एक्सेप्ट। आप निकले तो सही और देखें आपके पास इतना सपोर्ट होगा, मैं आपको क्या बताता हूं, बहुत सपोर्ट होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर लाली साहब, शहजाद चौधरी साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाइट एडिशन का वक्त खत्म हो गया है, शाजिया जीशान को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।